जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदस्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की भगवद्गीता यथारूप की समवेत भक्त रुम्ब हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पाठ सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 2। ज्ञानं देहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः जज्ञात्वा नेह भूयोन्यो ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोन्यो ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुवाच के द्वारा अनुवाद। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तात्पर्य, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। यदि यह दिव्य ज्ञान है, भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त था तथा मित्र था। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान ने प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो भी कई वस्तुएं ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रहता। वेदों का कहना है, कस्मिन् भगवतो विज्ञात जस्मिन् भगवतो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवन्ति। ओम अज्ञानमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितम स नमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो भगवद गीता के ये सबसे महत्वपूर्ण विषय कि जो द्वितीय शतक में शुरू करते हैं शिव भगवान ने सातवां अध्याय में, काल हमने चर्चा किए थे प्रथम श्लोक का, भगवान ने अर्जुन को सावधान करते हुए बोले कि तत् सुनो, उसको सुनो, और जिसमें मैं समग्र मेरे बाज में कहूँगा। और शुरू में कहते मया सक्त मना पार्थ जोगो जुंजन मदाश्रय, मन को मुझ में आसक्त करके मेरे आश्रय में रहते हुए योग अभ्यास करो, जो कि अभ्यास करो मतलब भक्ति योग के अभ्यास करो, और इसके द्वारा तो सब कुछ मेरे बारे में जान सकते हो। अब कृपालु भगवान ने ये श्लोक में कहते हैं ज्ञानम ते अहम सब विज्ञानम इदम वख्यामि अशेषतः। भगवान ने कहने के लिए उद्यत होते हैं, बोले इदम वख्यामि, मैं कहने जा रहा हूँ क्या ना ज्ञान और विज्ञान सहित, ज्ञान विज्ञान सहित मैं तुझे ये बात बताने जा रहा हूँ। जज गत्वा, जिनको जान लेने पर और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा, जिसको जानने पर अब सब कुछ जान जाओगे। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में पहले सेंटेंस में लिखे हैं पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाले आत्मा और इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। तो तीन चीज है तब ज्ञान पूर्ण होता है, अगर तीन चीज को हम जानते हैं। सबसे पहले मैं काल भी बता रहा था ना, प्रत्येक दार्शनिक चिंतक समझदार के सामने ये तीन ही समस्या है, तीन चीज की। एक है इस दुनिया संसार, दूसरा है हम लोग जीव जगत, और तीसरा है ईश्वर। ईश्वर जीव और माया, या ईश्वर जीव और पदार्थ या संसार, यही तीन के लेकर के सारे खेल है। तो ये तीन जानना ही पूर्ण ज्ञान है। सबसे पहले ये वर्तमान स्थिति में जितने बड़े बड़े विज्ञानी है वो सब प्रत्यक्ष जगत के बारे में अभी तक जान रहे हैं, वो जान नहीं पाए हैं, थोड़ा बहुत जो उसी को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस प्रत्यक्ष जगत हमारे सामने जो है संसार के बारे में जानकारी चला रखे हैं, बोलते हैं कि उनके अलावा हम भी तो है, और हम दोनों के अलावा, दोनों के अलावा जो हम दोनों को उद्गम स्थल है, चलाने वाला है, जहाँ से संसार निकला, जहाँ से जीव जगत निकले आए हैं, वो ईश्वर वो भी है। इन तीनों को जानने से पूर्ण ज्ञान होगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम, बोले मैं तुझे समस्त ज्ञान और विज्ञान के सहित कहता हूँ, उसको समझो। तो इसमें आचार्य लोग ने इस प्रकार की अपने मतामत देते हैं, बोलते हैं कि जो ज्ञान है वो है शास्त्र के द्वारा और दृश्य के द्वारा, नाना प्रकार प्रमाण के द्वारा, शब्द आदि विभिन्न प्रकार प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्षादि अनुमान आदि सब प्रकार प्रमाण द्वारा, जे सब ज्ञेय वस्तु है उसका ज्ञान करके जानते हैं। लेकिन ये सब ऐश्वर्यमयी है, ज्ञान में केवल ऐश्वर्य ज्ञान आता है। तो भगवान कहते हैं ज्ञानम, उसके साथ सब ज्ञानम, बोले विज्ञान फिर क्या है,
बोलते ज्ञान में भगवान बोलते मेरे शक्ति की परिणति ऐश्वर्य को देखो, ये ज्ञान है। लेकिन विज्ञान है उनके स्वरूप के ज्ञान, ओ हे माधुर्यमय, भगवान स्वयं माधुरी से युक्त है, इस माधुर्यता का अनुभव यह विज्ञान। तो इसलिए ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का अनुभव कराना चाहते हैं कृष्ण को। ऐसे मानो कहते हैं कि देखो अर्जुन, अभी तक जितने बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं मेरे भगवत्ता के प्रकाश को देख करके, इस दुनिया को देख करके, चाकचौ देख करके आश्चर्य होकर जानना चाहते हैं, उसी के ऊपर खूब गवेषणा किए हैं, वो तुम्हारे ऐश्वर्य है। इतने बड़े संसार, समुद्र, पर्वत, नदी, वृक्ष, वन, वनानी, ये सब प्रकृति, उसको देख करके उसी के बारे में जानने का प्रयास कर, बोले ये मेरे ऐश्वर्य है। लेकिन मैं क्या हूं, मैं तेरे रथ में एक ड्राइवर बन करके बैठा हूं, खड़ा हूं, उसको भी ठीक से नहीं लोग जानते, और उसके परे मैं सचमुच जसोदा के स्तन्यपायी शिशु गोपाल हूं, उसको भी क्या जानेंगे, और जब तक उसको नहीं जानते मुझे नहीं जान पाएंगे, मैं तो वही हूं। इस प्रकार जो जान लेता है वही पूर्ण ज्ञानी होता है, और वो ज्ञान केवल भगवान कई जगह में कहते भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो ये जो सब ज्ञानम, ये है सब भक्ति, मतलब भगवान ने अर्जुन को मानो इस जगत के बारे में बताएंगे, अपने ऐश्वर्य स्वरूप के बारे में बताएंगे, और भक्ति के विधि, भक्ति की कौन सी विधि, जिस प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान केवल जानने योग्य हैं, इस प्रेम भक्ति के विधान को बताते हैं, जो नौ सोपान से है, नवधा भक्ति, जो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम पर्यंत जो प्रकरण है, इसके साथ बोलते हैं सारे के द्वारा मेरे साथ जो संबंधित होते हैं ये मेरे स्वरूप को जान पाते हैं कि मैं असल में कौन हूँ। ये है विज्ञान, पूर्ण ज्ञान उनको कहा जाएगा। इस प्रकार अर्जुन भक्त था तो इसलिए भक्ति विज्ञान और उनके शक्ति के परिणति, उनके ऐश्वर्य के ज्ञान, और दोनों जन देना चाहते हैं। और बोलते हैं कि जो व्यक्ति उसको जान लेता है, उसको बाद में फिर जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं बाकी रह जाएगा। क्योंकि क्यों बाकी नहीं रह जाएगा, भगवान बोलते हैं कि मैं सबके कारणों के कारण हूँ। जो भी कुछ संसार में देख रहे हो, जो देख नहीं रहे हो, आप स्वयं देखने वाले हो, इस सभी का मूल कारण जो ध्यानी है वो मुझे ही ध्यान करते हैं, जो ज्ञानी है मुझे जानना चाहते हैं, जो कर्मी है वो भी मेरे संपत्ति से काम करना चाहते हैं। सभी प्रकार से स्रोत और उद्गम मैं हूँ, तो सर्व कारण के कारण, सर्वनियंता, सर्वसमर्थ, सर्वेश्वर भगवान को जान लेने से फिर बाकी क्या रह जाएगा, वही सब कुछ है। तो भगवान इस प्रकार कहते हैं कि उसी को मैं आपको बताऊंगा, विज्ञान के साथ, विशेषता के साथ उसको आपने जानो। इस प्रकार कह करके भगवान आगे कहते हैं कि कोई भी इसको सुन करके उनके मन में बड़े उत्साह जागृत होगा कि अच्छा ऐसा ज्ञान है जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा। आप में से अधिकांश छात्र है, आप लोग सब कितने टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो किए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पूछो तो क्या पढ़े ना, मैं तो साइंस, कोई बोलेगा साइंस में तीन सब्जेक्ट लिखते हैं, कोई PCM, कोई क्या ऐसे ऐसे ना, कोई सब्जेक्ट लेते हैं, बोलते ये बारे में पता, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, ये पता, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, वो नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था। 50 से बात पूछो बोलेंगे मेरा सब्जेक्ट नहीं था, क्या था ना, इतना ही था,
और वो भी 2-3 साल तक किया, थोड़ा था नहीं किया। तो जो कोई PhD भी कर लेते हैं उनको पूछना मतलब इसी विषय में क्या, इसी विषय में कच्चों कुछ नहीं जानता हूँ, इसी सब्जेक्ट में PhD। अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट हो जिस सब्जेक्ट को जानने से और कोई सब्जेक्ट बाकी नहीं रहेगा जिसके बारे में हम जानता नहीं करके, कौन नहीं चाहेगा उसको लेने के लिए बताओ। कोई ऐसे आपके करिकुलम में ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट में आओ मतलब A to Z, संस्कृत, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, साइंस और एनीथिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, बोले सब कंप्लीट ज्ञान ये सब्जेक्ट में है, बाकी इधर उधर क्यों जाए इसी को ले। लेकिन ये सब्जेक्ट अभी तक इस ब्रह्मांड में कोई यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, ये सब्जेक्ट केवल इस्कन के इस्कन इंट्रोड्यूस करा रहा है, वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना। कृष्ण के ज्ञान प्राप्त करने से इस संसार में कोई ऐसा ज्ञान बाकी नहीं रह जाएगा जो उसमें अज्ञानता रह जाएगा, नहीं जाना करके, सबको जाना जा सकता है। और स्वयं भगवान ने इस बात को आज कहते हैं कि मैं ये ज्ञान तुझे कहना जा रहा हूं, जिस ज्ञान को तू जानने के बाद तेरे लिए वो जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। तो बोले लोग सब जान जाएंगे, सर्वज्ञ हो जाएगा, जो जिनका जानकारी करने की क्षमता है, जो सचमुच ज्ञान प्राप्ति करने का प्रयत्न करता है, उस व्यक्ति ने इस ज्ञान को जानने से वो बिल्कुल पूर्ण संतुष्ट हो जाए कि आई नो एवरीथिंग नाउ, तो बहुत उत्साहित होगा। अच्छा तो बताइए तो कौन सा चीज है जिसको जानने से अल नोयर हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। तो इस उत्साह को देखते हुए भगवान ने फिर बोलना शुरू करते हैं 3rd श्लोक में। अब तुरंत क्या ज्ञान को जान, जिसको जानने से सब कुछ जान जाऊंगा, उसके अंदर और थोड़ा उत्कंठा पैदा करने के लिए ये श्लोक में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित जतति सिद्धये जतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्म्यां वेदि तत्त्वतः। कोई भगवान बताते, देखो मैं इतना चीप मत लो, मैं जो कह दिया इतना आसान मत समझो, मैं बोल दिया ये सब्जेक्ट को जानने से यू विल बिकम ऑल नोयर, इतना आसान मत समझो, ये ज्ञान इतने दुर्लभ है, दुर्लभतम है ये ज्ञान। तो इस ज्ञान के दुर्लभता को सूचना देने के लिए भगवान ने 3rd श्लोक कहे, मनुष्याणाम सहस्रेशु। सबसे पहले मनुष्याणाम शब्द से पता चलता है कि जितने प्रकार के प्राणी है इस दुनिया में, जो स्थावर जंगम, जो स्थावर है चलते फिरते नहीं है, जड़ है उनके बारे तो छोड़ दो, जो जंगम है जो चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, इन प्राणियों की संख्या प्रकार कितने हैं, 84 लाख प्रकार। 84 लाख प्रकार चेतन प्राणी है, चेतना से युक्त है, उनमें से सबसे कम है कौन, मनुष्य कैटेगरी के लोग, मनुष्य सबसे कम है। बोले उन मनुष्यों में से जो सभी प्रकार चेतन प्राणी से सबसे दुर्लभ है, सबसे कम है मनुष्य प्राप्त करना, उन मनुष्य में से ये प्रभुपाद कृष्ण वही सुर के मनुष्याणाम सहस्रेशु, बोले मनुष्य के पहले तो और बहुत कुछ है, बोले इस रेयर मनुष्य जन्म है अति दुर्लभ, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म भी मनुष्य में मनुष्य में से हजारों हजारों मनुष्य केवल यही काम में लगे हैं जैसे हम सभी करते हैं, जैसे तैसे जन्म से ट्यूशन फ्यूशन करके पढ़ पाढ़ करके नौकरी करो और फिर शादी करो मरो, क्लीन फॉर्मूला, बस दैट्स इट। करते 99.9% ही तो करते हैं, और क्या है, 99.9% यही करते हैं। उनको पूछो कि जीवन के उद्देश्य, जीवन के उद्देश्य नहीं, उनको सिंपली एक क्वेश्चन पूछो, बहुत बड़े आदमी IAS ऑफिसर क्यों ना हो,
अपने को बहुत समाज में बड़े ज्ञानी समझदार व्यक्ति हो, कितनी परीक्षा निरीक्षा करके उत्तीर्ण होकर आया है, उनको केवल सर मैं एक चीज पूछूं आपको, मैं क्या सर आप जी क्यों रहे हैं, आप क्यों जी रहे हैं, वो क्या उत्तर देगा? अगर आपको कोई पूछेगा वो बोलेगा बकवास कर रहा है, ऐसा क्या पूछ रहा है, कि पूछने की बात है, यही तो बोलेगा, अरे ये क्यों पूछने की बात है, सारे दुनिया के लोग जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं क्यों जी रहा है, अरे क्यों जी रहा है, तेरा खा रहे हैं क्या जीने के लिए? तो उनको बोला सर बुरा मत मानिए, समझ में तो जानना चाहता हूँ हम भी क्यों जी रहे हैं, हम तो मूर्ख हैं, हम जानते नहीं, आप तो पंडित हैं ना, आप जानते होंगे, आप भाई आप क्यों जी रहे हैं, अभी सर के पास आंसर ही कुछ होगा ही तो नहीं, क्या बताएगा, बहुत सोच विचार करके ही बताएगा कि क्यों जी रहे हैं। अरे देखते नहीं सब दुनिया जी रहे हैं, अब जब से पैदा हुए जीवन शुरू हुआ तब से तो कंपटीशन, पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ, कंपटीशन शुरू हुआ, सर यही जीवन है, अरे ये शुरुआत है, ये क्या है, शुरुआत है, कोचिंग करना, ये करना, स्कूल में फिर इतने नंबर लेके पास करना, तब नहीं 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 अब तो शुरू ही होगा, फिर कोटा जाएंगे कोचिंग के लिए, फिर वहां जाकर कोचिंग करेंगे, कोचिंग करना जीवन के लक्ष्य, ना 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 ये तो शुरुआत होता है, तैयारी, अभी जीवन शुरू कहाँ हुआ, अब कोचिंग कोचिंग करके कॉलेज लाइफ किए, कॉलेज लाइफ में जो परसेंटेज आशा है उसको जी जान लगा करके प्रयास करते हैं करने के लिए, यही जीवन के लक्ष्य, अरे ना जीवन में शुरू कहाँ हुआ, और तैयारी चल रहा है जीने का, अब कॉलेज लाइफ पूरा हो गया, अच्छा परसेंटेज जो चाहते हैं भगवत कृपा से अगर प्राप्त हो गया, अब जीवन के लक्ष्य, नहीं 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 अभी तो शुरू होगा, अभी जीने का ओपनिंग खत्म, अब तो हो गया तैयारी, अभी जीना शुरू होगा, क्या नौकरी के खोज, ए अभी तैयारी का शुरुआत, अभी खोज माने नौकर बनना अब शुरू किए, अब कोई लोग तो करते करते जिंदगी बीत जाता है बेचारे जितने उम्र लगाए थे पढ़ तैयारी करने के लिए नौकरी करने के लिए इतने उम्र लगाते हैं खोजने में और फिर भी नहीं हो पाता कई लोग तो वहीं से आउट हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन उनको पूछो नहीं नहीं अभी तो तैयारी चल रहा है, अभी जिना अभी तो खाता खुलेगा, अगर भगवत कृपा से उनको एक नौकरी मिल गया अभी संतुष्ट जीवन, नहीं अभी तो खाता खुला, अभी तो जीना शुरू ही होगा, अब जीवन, अब तो अच्छा नौकरी मिला, अब तो कमाई करेंगे, मकान दुकान गाड़ी घोड़ा करेंगे, तो यही ना ना अब तो शादी बाकी है ना, अब तो कहाँ वो ना हो तो कैसे हो, तो अगर ऐसे चर्चा करते जाओ करते करते शादी हुआ, अभी तो बच्चा ही हुआ है छोटा, अभी बड़ा हो वो सेटल हो जाए, ऐसे करते करते अब क्या, अब तो मेरे रिटायरमेंट का टाइम हो रहा है, अब क्या है, अभी दुनिया तो यही होता है, फिर अब तो पता नहीं वो कितने दिन के मेहमान है, अब तो पके हुए फले कब गिर पड़े है ना, तो अभी तक तो यही चल रहा है कि तो जीवन के लक्ष्य दी एंड कहाँ होता है, दी डेथ, इसी को ही मानेगा भाई, जब मरना ही जीवन के लक्ष्य है उसके लिए सारे करना जरूरी है क्या, जो कोचिंग नहीं किया, कोटा नहीं गया, इतने मेहनत नहीं किया, वो बच जाएगा क्या, वो भी तो वही लक्ष्य प्राप्त करेगा, अगर विश्लेषण करके देखा गया जीवन के लक्ष्य है मृत्यु, वहीं से खत्म, वो आगे नहीं गाड़ी बढ़ता, गाड़ी चल करके यहीं पर टप यहीं तक जाएगा जीवन नाटक, जब यही जीवन यात्रा समाप्त होता है, ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो अपने आप ही मिलेगा, यार घर बैठो तब मरेगा, कितने नाच कूद करो तभी मरेगा, कितने आंख नाक बंद करो प्राणायाम योगाचार्य कुछ भी बन जाओ, शरीर को प्रोटीन शोटीन कुछ भी कर डालो, उससे बच सकता कोई नहीं बचे, तो फिर काहे को इतने नाच कूद कर रहा है, जब वो आसान से मिल रहा है घर बैठे काहे की मेहनत कर रहा है, ये कितने फुलिशनेस है ना, नहीं जो आपके घर बैठे बिना प्रयास से आपको मिल ही जाता है
उनके लिए इतनी उम्र उनके पीछे पड़ गए मरने के लिए, अतः घर बैठे अपना मर जाओगे उसके लिए क्या करना पड़ता। लेकिन इसी को बोलते हैं कि सारे हजारों हजारों मनुष्य केवल इसी काम में लगे हैं, जैसे भी तैसे थोड़ा इंद्रिय को सुखी करके संसार चला कर खा पी करके मर मर जाए खत्म, और कुछ नहीं जानते बेचारे। पशु पशु की तरह जीते हैं, पशु के जो लक्ष्य होता है चार, खाएगा सोएगा मैथुन आदि करेगा और झगड़ा करेगा, दैट्स इट। हम सुबह सुबह वॉकिंग में जाते बिना मतलब के कुत्ता कहा है कि हम कुछ नहीं करते, देखते भी नहीं उनको, भाग कर आते खदड़ते, अरे भाई हम तुम्हारा क्या किए, हम अपना रास्ते में जाते नहीं। अरे कुछ कुत्ते तो मैं देखा आज हमारे पास, वो कार जा रहा था, कार के पीछे भाग करके मैं मरी जाता उस चक्का के पास जाता है ना, अरे पता नहीं उसका क्योंकि वो बोलते हैं कि हमका जीवन नहीं है वो, हम भी यही है, केवल पशु बुद्धि के तरह इसी में लगे, कंपटीशन एक ही समय आगे चल गए, अरे भाई क्या इसी के लिए तो बना है, तेरा बनावट इसी के लिए हुआ क्या, इस बात को कोई नहीं जानता, कोई टाइम ही नहीं देते इस बात को सोचने के लिए, बीत गया अमरिया उसको नहीं जाने। एक हिंदी में बहुत बड़े संत कवि हो गए जिनका नाम था सूरदास, उन्होंने एक पद में लिखे हैं, मौसम कुटिल खल कामी, बोले मैं इतने कुटिल हूं इतने खल हूं इतने कामी हूं, बोले क्यों, जिन तन दियो उसे बिसिराओ मौसम नमक हरामी, बोलते हैं कि जो मुझे तन दिया, तन समझ रहे ना, जिनने शरीर दिया बुद्धि दिया सब सामग्री दिया जीने के लिए, उनको तो भूल ही गया, बाकी को लेकर के गवेषणा कर रहा हूं, और जिसने मुझे दिया सारे सब कुछ उनको भूल गया, जिन तन दियो उन्हें बिसराओ, ऐसो नमक हरामी, ऐसे मैं नमक हरा हूं, जिनका नमक खा रहा हूं उनको भूल गया, वो सब कुटिल खल कामी, मेरा जैसे ऐसे कुटिल खल कामी कौन हो सकता, और हम सभी इसी खाता में आते हैं, भूल गए इन ईश्वर को जिन्होंने हमारे हर एक सेकंड में हमको मदद करते हैं जिलाते हैं, नहीं तो जी नहीं सकते एक सेकंड भर के लिए, जो सांस लेते हैं, कोई प्रोडक्शन को कंपनी का माल है क्या, ना पेमेंट करते हैं इसके लिए नहीं, अरे खाना पीना तो फिर भी फास्टिंग करके बच जाएंगे एक आध दिन, इसके बिना एक दिन टिकेगा एक दिन क्या, एक घंटा भी नहीं, कुछ मिनट में गिनती। उन कृपालु प्रभु ने जो हमको जिलाकर रखा है हर सेकंड में ये दे करके, उनको कभी सोचते भी नहीं, 80 साल बीत गया भाई, 8 सेकंड के लिए उनको याद करो, जिनके कारण तू एग्जिस्ट किया है जी रहा है, ऐसे नमक हराम है, वो सच बात बता रहे, हम लोग तो इसने भी मानते भी नहीं है। तो ऐसे अगर पूछो सर क्यों जी रहे हो तो हैरान हो जाएंगे, अरे बकेंगे बोले क्या पूछ रहे हो, सच्चाई बात यही है, अब क्या करें। तो इसी को भगवान यहां कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेशु, हजारों हजारों लाखों मनुष्य में से कोई बिरला दुर्लभ व्यक्ति इसके बारे में सोचता है ना, ये तो नहीं जीवन के लक्ष्य, वो सोचते हैं मैं क्यों जी रहा हूं उसके बारे में सोचते हैं, बाकी तो कोई सोचते ही नहीं, वो सोचना चाहता है, कश्चित जतति सिद्ध है, जतति मतलब जत्न करता है, जत्न करता है कि है क्या, केवल इसी पशु की तरह खाए पी करके बच्चा पैदा करके मर जाना, इसी के लिए मैं हूं, इसी के लिए बुद्धि वृत्ति इंद्रिय शक्ति समझ मिला, ना ना ना, इससे इतने टेंशन इससे स्ट्रेस नो, तो इससे विराग भाव आता है, विरक्त होकर के तो सोचता है कि ना इससे परे और कुछ है,
इसमें तो कुछ सुख है ही नहीं, सब ऐसे झूठा है, ये संसार दुखमय है, झूठा है, ऐसे उनको समझ आ जाता है तो निकल आता है फिर संसार से विरक्त होकर के, और कुछ जानने के लिए आत्मा को परमात्मा को जानने के लिए प्रयास करता है, जत्न करता है इस काम के लिए नहीं। जो हम जो बोले चार खाना पीना सोना मैथुन करना मरना झगड़ा, इस काम को छोड़ करके और कुछ उससे परे है उसको जानने के लिए प्रयत्नशील होता है, प्रयास करता रहता है ना। इस जीवन इतने दुर्लभ जीवन इसी के लिए नहीं दिया गया, ये पशु की तरह खा पी के मर जाने के लिए नहीं, मनुष्य में बुद्धि शक्ति है, विवेक है, उसके तरह वो जानना चाहिए कि क्या है उसका असली रहस्य, उसको जानने के लिए प्रयास करना चाहता है। ये बहुत कम मनुष्य है संसार में, हजारों लाखों में से कोई कोई बिरला एक आध दो उनको मन को टकराए तो ये संसार से विरक्त हो जाते हैं, अपने परिवार से संबंधियों से विरक्त होकर के इस चर्चा में आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई ब्रह्म को ध्यान करते हैं, कोई और प्रकार क्रिया मुद्राएं सब करने लगते हैं। बोलते हैं कि वो कश्चित कोई कोई मनुष्य इस जत्नशील होते हैं इसको जानने के लिए कि क्या है जीवन के लक्ष्य, मुझे ये तो नहीं है निश्चित, ये दुख पाना नहीं चाहता। तो जो जत्नशील आदमी जो बहुत कम है, हजारों में से लाखों में से कोई एक मनुष्य होते हैं, ऐसे प्रयत्नशील हजारों से जो संसार से विरक्त हो चुके हैं, संसारिक सुख से मुंह मोड़ चुके हैं, नहीं ये हमारे जीवन लक्ष्य नहीं है, हम कुछ और जानना चाहते हैं इससे परे, ऐसे परे जानने वाले बहुत दुर्लभ मनुष्यों जो जो कश्चित भगवान कहते कुछ लोग हैं जो जत्नशील हैं, प्रयत्न करते हैं, वो भी जत्न करते करते कोई सिद्धि के चक्र में फंस जाते हैं। कश्चित जतति सिद्ध है, सिद्धि समझते ना, आप कोई करते करते गए, प्रयास कर रहे थे कुछ काम के लिए, कुछ काम के लिए तपस्या आदि करेंगे तो तपस्या से कुछ शक्ति मिलता है, वो जो शक्ति प्राप्त हो जाना उसे बोलते हैं कि अरे सिद्ध हो गए मैंने, आप इसी में से तुष्ट हो जाना, बोले हो गया मेरा काम तो बन गया, आप तो भगवान बन गया मैंने और क्या। एक कहावत है, एक व्यक्ति ने इसे उनका विरक्त भाव आ गया, कहीं सुन के सत्संग से, बालक था, अब स्कूल पढ़ाई पढ़ाई छोड़ करके चला गया, जा करके जंगल में जा करके ध्यान किया, कहीं इसे क्या ध्यान करना, ध्यान कर रहा था, ध्यान मूर्ति क्या हो, उसी को देख कर कुछ लाइट को इसे करते ना, कई ऐसे संस्थाएं हैं जो देते हैं लाल लाइट पीला लाइट, उस लाइट को ध्यान करो देखो उसको देखते रहो, तो उसको 12 साल तक उसी से दृष्टि केंद्रित करने का अभ्यास किया, अभ्यास किया तो कोई भी चीज को अभ्यास करेगा तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो कुछ हो ही जाएगा ये सूत्र है। तो उसका क्या हुआ, वो त्राटक सिद्धि सूर्य देख करके लाइट को कर रहा था तो उनके दृष्टि शक्ति में कुछ पावर आ गया, 12 साल तक लगातार उसमें ध्यान करते करते जो शक्ति हुआ, तो उनको पता नहीं था वह शक्ति हो गया करके, एक बार बैठ करके इसे भी शक्ति 12 साल तक कंटिन्यूअस कर रहा था इस काम को, और ये केवल जंगल से कुछ फल खा ले पानी पी ले फिर बैठा रहे दिन रात वही काम करते रहे, करते करते थोड़ा सा उनका प्रैक्टिस हो गया। तो एक दिन क्या क्या बैठा था, एक चिड़िया आकर बिट कर दिया उसके ऊपर, क्या हुआ देखा चिड़िया ने टॉयलेट कर दिया, अरे गुस्से में उसको देखा, देखते ही चिड़िया मर गया, जल गया मर गया, बोला अरे वाह मुझे पता तक नहीं था अभी तक मैं इतने शक्तिशाली हो चुका हूं, आई एम सो पावरफुल, और उसको देखा जला दिया उसको, मुझे अभी तक पता नहीं था मैं वो कि ये क्या कर रहा हूं, तब उठ के चला, बोला हो गया मेरा काम और क्या, आप 12 साल सिद्धि हो गया हमारा, मैं सिद्ध महात्मा हो गया, अब आया अब तो 12 साल संसार में तो कोई है ही नहीं, इतनी बड़ा हो गया है, भूख तो लगी रहा है, भले सिद्ध हो जाए पेट तो भरना ही पड़ेगा, तो क्या करेगा, पैसा तो है ही नहीं कोई खा मिले, तो जाकर भिक्षा के आए गांव में भिक्षा मांगा, एक घर में जा कर के, तो घर के जो घरणी थी गृहपत्नी थी उनके पति कहीं काम में गए थे, वो घर में कुछ काम कर रही थी, भिक्षा मांग रहा रोटी दे दो, वो बोला थोड़ा रुक जाओ मैं कुछ काम कर रही हूँ थोड़े रुक, फिर भिक्षा दे, अरे मैं बोला ना थोड़ा रुक जाओ मैं काम करती हूँ आकर दूंगी रोटी देना है, अब
तीन बार दे दो कर बुझा, दे नहीं रहा है, बोलते रुक रहे कब से मैं रुकू। तो अंदर से ही वो पत्नी ने, बाहर नहीं आई थी वो, जो तान तोड़ बोला, अरे बोलते भिक्षा दो कर, रोटी दो कर गए, क्योंकि वो अपने को मानता ना मैं सिद्धि हूं, मैं क्या समझ रहा है ये घर वाली, मैं तीन बार बोल चाहूँ रोटी नहीं दे रहा है, अब आंख खोल कर देख लूंगा। वो अपने आपको समझ रहा ना कि शक्ति है, वो देख लिया चिड़िया जला करके, इसलिए अपने आपको मानना है, इसलिए कुछ काम नहीं बनने से क्रोध आता है। मांगा तीन बार हो गया नहीं दे रहे, तो क्रोधित होकर बोला अब रोटी नहीं दे रहा है। तो वो घर के जो गृहिणी थी अब बाहर आई नहीं, देखी नहीं, वो अंदर से ही उनका टोन को समझ करके बोले, अरे बाबा काहे को क्रोध करता है, क्या समझ रहा है कि जंगल में चिड़िया को जला दिया करके मुझे भी इसे जला दोगी ना। उसका तो गुस्सा शांत हो गया, बोला ये तो मेरे से आगे निकल गई, ये चिड़िया को मैं जलाया तो किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं बोला भी नहीं, वे घर में मुझे देखा तक नहीं किसी बोलती। वो तो बैठ गया, बोला भाई क्या क्या करूं, बोले उनसे पूछना है, ये कैसे पता चल गया उसको। थोड़ी देर में रोटी लेकर आई, बोले माताश्री रोटी तो मैं बाद में खाऊं ना खाऊं, फास्टिंग भी कर लूंगा, बहुत फास्टिंग किया, पानी पी भी लूंगा, ये बताओ आपको कैसे पता चला कि मैं जंगल में चिड़िया को जलाया था, है ना, कि तेरा स्वभाव से पता चला कि कराया था ना आपने, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला ना, तू जो अभ्यास कर रहा था, मैं अपने अभ्यास से इसको इस शक्ति को प्राप्त किया, तू 12 साल ऐसे ध्यान करके इतने शक्ति पाया, मैं भी तेरे से और ज्यादा साल अभ्यास कर रहा हूँ, ये अभ्यास से मुझे ये शक्ति मिला कि मैं जान लेती हूँ। बोले कौन सा अभ्यास, ना मेरे पति का सेवा कर रहा हूँ पूर्ण समर्पण से, इस मेरे पति की सेवा के कारण मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो गया, तेरे जैसे का मन को जान जाता हूँ। वो तो बोला अरे तुम तो बड़ा तपस्वी है मेरे से यार, हैं, मैं तो अभी तक चिड़िया तक जला पे, लेकिन आप तो आगे निकल गई, अब बताओ तुम्हारे पति कहाँ है, तो उनके सेवा करके ये शक्ति मिला ना, हाँ केवल पति सेवा से मुझे शक्ति मिला है, तो पति कहा मैं उनका सेवा करूँ, हाँ वो एड्रेस बता दे, बोला वो मार्केट में है उनके दुकान, जाओ जाओ मार्केट, और जो एड्रेस बताया मार्केट में वो गया मार्केट में मिलने के लिए, अरे जिनको सेवा से इतनी बड़ी सिद्धि मिले, वो गया ढूंढने के लिए उनको, जाता था आता था, जो एड्रेस बताया था वो एड्रेस खड़ा रहता देखता, लेकिन वो आदमी जो मांस काट कर बेच रहा था, मांस बेचने वाले क्या बोलते हैं आप, कसाई था, वो कसाई था, उनको कैसे विश्वास हो कि कसाई को सेवा करने से इतनी बड़ी शक्ति हो गया। बोला ना वो आगे होगा शायद, आगे निकल जाता, आगे कोई से मिल नहीं रहे थे, फिर वापस आता था खड़ा रह करना, इतने फिर पीछे आता, ऐसे 4-5 बार आगे पीछे करके देखा, कि मैंने अंत तक पूछा, कई आदमी से पूछा ये दुकान, तो वही है वही है, फिर आके खड़ा 12 नंबर शब्द तो वही है, वही आकर खड़ा, विश्वास नहीं होता, वो कैसे हो सकता है। अब जब देखा कि सभी लोग बोलते हैं वो ये करके, वो आदमी कुछ बोल नहीं रहे, वो खड़ा खड़ा होता, वो देखता है अपना काम करता है, वो 10 चक्कर लगा चुका है तब तक, बोला भाई साहब कुछ बोलो ना, क्या चाहिए हमको, आप मुझे ढूंढ रहे हैं मुझे मालूम है, आपको ही पता ना मुझे पता है। बस हंस कर बोला मुझे पता है सारे आपके हिस्ट्री, मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं ही हूँ, मेरी पत्नी ने बोला ना आपको, वो यहाँ तक पता है मैं ही हूँ, और परेशानी हो गया। अरे वो आपके इतने हैं वो जानते कैसे। तो इस प्रकार अब उनसे जैसे शरण में गया, उनको पता चला, बोला हाँ हम अपना काम तो करते हैं, लेकिन मन में हमारे चिंतन जो है प्रभु का, हम बिल्कुल अनाज सकते हैं, भले इतने घृण्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम इससे बिल्कुल संबंध नहीं, हमारा संबंध और किससे है, और उनके चिंतन के कारण ये छोटी मोटी ये तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार जो थोड़ा सा कोई शक्ति प्राप्त हो जाता है, तो अपने आप को छुट्टी बोलता है, जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो गया और क्या। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि एक तो सारे पशु की तरह जीते हैं 99%, जो उनमें से थोड़े बच करके उससे हट करके वैराग्य ले करके कहीं विविक्त स्थान में जा करके साधना आदि करते हैं, और साधना का
तुच्छ फल उनको प्राप्त होता है, जब छोटी मोटी कुछ प्राप्त हो जाते इसी के चक्कर बोलते हो गया हमारा काम, और भाग दौड़े फिर बेचारे मरते हैं, कोई होता नहीं कुछ। कश्चित जतति सिद्धये, सिद्धि के चक्कर में फंस जाते हैं। तब भगवान जतताम अपिसिद्धानाम, कुछ व्यक्ति और उन सिद्धियों से, उन सिद्ध प्राप्ति करने वालों में से कोई हजारों से कोई एक बिरला व्यक्ति, जतताम अभिसिद्धानाम कश्चिन मांग मुझे वेति तत्व, मुझे तत्व से जानता, मैं ही श्याम सुंदर हूं, मैं ही गोविंद हूं, ऐसा जानता है बहुत बहुत बिरला, उन सिद्ध में से कुछ चुन करके आए जो मुझे जानता है, ऐसा कौन है कितने लोग। इसलिए मुझे जानना है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। आचार्य कहते हैं ज्ञान भगवान को जानने, भगवत ज्ञान तीन प्रकार से होता है, भगवान को तीन प्रकार से जाना जाता है। सबसे प्राथमिक ज्ञान है ब्रह्म, उसके आगे परमात्मा, उसके ऊपर भगवत ज्ञान। बोलते मैं श्री भगवान हूँ, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, पूर्ण ज्ञान है। लेकिन पूर्ण ज्ञान से पीछे ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है। बोले जो ब्रह्म ज्ञानी है बेचारे इसी में रह जाते हैं, कोई और आगे बढ़ते हैं परमात्मा ज्ञान में इसी में रह जाते हैं, लेकिन जो भगवत ज्ञान है वह पूर्णता है। भगवत ज्ञान जानने के लिए और कोई उपाय नहीं भक्ति के अलावा, भक्त्या हम एक या ग्राह्यम, केवल भक्ति के द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूँ, जो भक्ति की साधन रूप में प्राप्त करके उसी साधना के द्वारा मुझे जानना चाहता है, ये भगवत ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान परमात्मा ज्ञान उसके अंदर ही है। तो भगवान कहते हैं जो मुझे जान लिया तो ये सांसारिक ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, आत्मज्ञान सब उसका अंदर ही है, सब उसका अंदर है, उसका अलग से प्रयास करना नहीं पड़ेगा, सब उसका अंदर है। तो ये पूर्ण ज्ञान इसलिए माना जाता है। तो इस प्रकार बहुत ही बिरला व्यक्ति, बहुत ही सिलेक्टेड पर्सन, जो इस प्रकार कोई सत्संग के माध्यम से, कोई ईश्वर के भक्त की कृपा से इस भक्ति को प्राप्त करके इस साधन को करता है, तब इस प्रकार भगवत ज्ञान मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, मुझे जान लेता है। मुझे जानना ही सब कुछ जानना, क्योंकि मैं सर्व कारण कारण हूं। इसकी भक्ति की, इस ज्ञान को, भगवत ज्ञान की दुर्लभता को बताते हुए इस श्लोक को बता करके भगवान आगे फिर बताते हैं। भूमि आप अनल वायु खं मन बुद्धिरे बच अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। क्यों अर्जुन को मन में तो उत्साह, बताओ तो सही क्या सब्जेक्ट है, क्या ज्ञान है जिसको जानने सब जान जाऊंगा, आप तो केवल दुर्लभता बता दिए लेकिन ये सब्जेक्ट तो बताओ। तो भगवान अभी सब्जेक्ट बताते हैं। भगवत ज्ञान का सबसे प्रारंभिक ज्ञान है भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान, है ना। अभी आपको कोई पहले देखेगा, बातचीत नहीं है, पहले देखेगा कि धोती कुर्ता पहने के, पैंट शर्ट टाई कोट क्या पहने, हेयर स्टाइल क्या है, कैसे मोटे तगड़ा है, वही तो देखेंगे, फोटो मोटो देखेंगे। तो भगवान बोलते हैं मेरे बाहर शक्ति को बाहर ही देखता है मुझे, मेरे ऐश्वर्य को देखेगा, उसी को देख करके मुझे जो ज्ञान कर लेता है वही ज्ञान को पहले भगवान बताते हैं, अपना ऐश्वर्य ज्ञान को बताते हैं, जिसको ज्ञान कहा जाता है। वो क्या है ना, भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धिर एवच अहंकार इति अंग में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये आठ प्रकार जिसमें पंच महाभूत को भगवान ने गिनाए। आचार्य लोग कहते हैं जो पंच महाभूत और ये आठ प्रकार कहे, आठ नहीं, ये इसमें प्रकृति, प्रकृति शब्द का असल थे प्रकृति, प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, कृति जो प्रकृष्ट रूपेण कृति है जिस शक्ति का क्या है ना, ये 24 तत्व विशिष्ट है। बोलते हैं इसे पंच महाभूत है, भूमि आप अनल वायु खंग किति जल पावक गगन समीरा। ये जो पांच है, ये पांच कहने से पांच के साथ उनके सूक्ष्म तत्व भी, उनके गुण भी उनके साथ है। जैसे भूमि के है गंध, जल के है रस, आकाश के शब्द, वायु के है स्पर्श। ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पांच तन्मात्रा उनके साथ जुड़ा हुआ है, पांच महाभूत उनके पांच तन्मात्रा 10 हो गए, ये 10 है। और उसके बाद में बोलते अहंकार, अहंकार का कारण है, उसके कार्य है इंद्रियां, एकादश इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया और मन, मन समेत एकादश, ये 11 हो गए अहंकार के अंतर्भुक्त।
और बुद्धि वो बोलते हैं महातत्व है। तो इसी प्रकार 26 प्रकृति विशिष्ट प्राकृति प्रकृष्ट कृति जो है क्या है, इसको भगवान ने बताया कि ये जो सारे है जितने चीज को आप देख ही रहा है संसार में, जितने को देख पा रहा है, जहां जहां तरह चक्षु जा रहा है, दृष्टि शक्ति जा रहा है, जो इसको देख नहीं पा रहा है, सुन रहा है, जिसके बारे में पढ़ लिया पढ़ रहा है, ये सब मिल करके आठों के अंदर है, इससे बाहर कोई हो नहीं सकता। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर है। कोई ऐसे इस दृश्य जगत में कोई इस आठ से बाहर की चीज अभी है ही नहीं, किसी को ले लो, सब के बनावटी इसी में ही है, सबके एग्जिस्टेंस इसी में है, कुछ भी मन है, ये पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, एकादश इंद्रिय और महत्व, इसी के अलावा तो कुछ है ही नहीं दुनिया, सब कुछ इसी के अंदर है, सचमुच है ही नहीं। और ये मेरे भिन्न प्रकृति, मेरे से अलग, मैं नहीं हूं, ये मेरा है, ये तो मेरा है। जैसे आप कभी कभी कहते हैं अरे साठ आपका है, अरे मेरा साठ में बनवाया था, ऐसा और दो हजार साठ मेरे पास पड़ा है, ऐसे भगवान तुझसे तो मेरे तुझ से भिन्न शक्ति है, एक अंश मात्र है तुझसे, ये जो सारे समग्रम समग्र संसार दृश्य जगत, ये मेरा भिन्न प्रकृति प्रकृष्ट कृति है मेरी क्रिया, लेकिन मैं ये नहीं हूं। ब्रह्म यद्यपि भगवान के प्रारंभिक ज्ञान इससे शुरू होता है, उसको देखकर हम चमक जाते हैं, लेकिन ब्रह्म का कोई स्वरूप ही नहीं है। परमात्मा भी इस भौतिक प्रकृति के अंश विशेष है, उनका भी कोई ऐसे स्वरूप खास नहीं है। स्वरूप तो केवल मेरा ही होता है, क्योंकि मेरे ही अंश वो लोग दोनों है, मेरे प्रकाश है। भगवान का अंग कांति है ब्रह्मा, भगवान को कोई स्थिति देखने से वही परमात्मा है, लेकिन उन्हीं के कारण जैसे जैसे कोई यहाँ परछाई देखते हैं, धूप देखते हैं, क्योंकि धूप का परछाई देखते हैं, कुछ करते हैं, इस परछाई को तत्व तो नहीं माना जाएगा, ये सूर्य एग्जिस्ट है इसलिए उनका देखा जाता है, वो डूब जाए ये दिखाई नहीं पड़ेगा। तो भगवान का मैं हूँ इसलिए परमात्मा ब्रह्म है भाई, ये मेरे हूँ, मेरे वजह से एग्जिस्ट कर रहे, मैं नहीं हूँ तो होगा कैसे, ये ब्रह्म ज्ञान आया कहाँ से, ये परमात्मा सिद्धि आया कहाँ से, मैं हूँ इसीलिए, इन दोनों के स्रोत उद्गम मैं हूँ, जो मुझे जान लिया तो ये तीनों को दोनों को उनका सचान ही लिया ऑटोमेटिक, उनके अंदर ही है। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं ये मेरे से भिन्न प्रकृति है, ये जो आठ मैंने गिनाया वो मेरे से अलग है, भिन्न प्रकृति। उसके तात्पर्य थोड़ा पढ़ लेते हैं। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति की प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सातवां तंत्र में उल्लेख मिलता है, विष्णुस्तु त्रिणी सरूपाणी पुरुषाख्यान्यथो विदुः, एकं तु महत सृष्टु, द्वितीयं त्वंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश तीन विष्णुओं का रूप धारण करता है, पहले महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महातत्व को उत्पन्न करते हैं, द्वितीय गर्भोदक साई विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता का उत्पन्न करते हैं, तृतीय खेदक साई विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांड में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं, ये प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीन विष्णु के रूप को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के एक तीनों विष्णु अंश द्वारा प्रदर्शित है, ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व या कृष्ण को नहीं जानता यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष है, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवद गीता के अनुसार यह मस्तिष्क यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण
माना गया है। श्रीमद् भागवत में से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियाँ इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम व्यव में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में ऐसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोक में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी कृदक साई विष्णु का एक क्षणिक सर्वाभिपक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष है और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियाँ होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। भौतिक शक्ति आठ प्रधान रूप में व्यक्त होती है। इसमें से प्रथम पांच पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियाँ कहलाती है, जिनमें पांच इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ये परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते हैं। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की इस इंद्रिया का समावेश है। बुद्धि महत्त्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से भगवान जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय है। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियाँ की उपशाखाएँ हैं और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्पज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। सांख्य दर्शन की विवेचना के विषय कृष्ण के बहिरंगा शक्ति की प्राकट्य है। तो ही बताते हैं कि जितने बड़े बड़े विज्ञानी अभी हमारे इस भौतिक ब्रह्मांड में है, वो तो यही 8 के लेकर चक्कर में पड़े हैं बेचारे। 8 नहीं, 5 को, भूमि, राप, नल, वायु, खंग, इसी में से जितने प्रकार के इन्वेंशन अभी तक निकला है उसी में से है। अभी तो बाकी जो 3 सूक्ष्म तत्व तो जानते नहीं बेचारे, उसमें हाथ नहीं लगा पाते हैं। और जो थोड़े बहुत सूक्ष्म मनोविज्ञानी होते हैं तो पागल ही होते हैं वो पागल हो जाते हैं, जान नहीं पाते, क्योंकि जब तक कृष्ण को नहीं जानेंगे, सारे तत्व के मूल हैं, वो कैसे जान पाएंगे? जानने के सवाल ही, कोई नहीं जान पाया कृष्ण। तो इसलिए मूल भगवान कृष्ण को जानने से ऑटोमेटिक पता चल जाएगा उनके सारे है, ये सब है इस प्रकार से। तो ये हम जो इतनी बड़ी बड़ी सूक्ष्म यंत्र आजकल देखते हैं, ये सब शब्द तरंग, ध्वनि तरंग, ये सब पकड़े, ये सब वही भौतिक शक्ति है, वही आकाश तत्व से संबंधित रखते हैं बस। कोई भूमि तत्व, कोई जल तत्व, कोई आकाश तत्व, इसमें से ही सब। लेकिन ये तो सब स्थूल है, लेकिन सूक्ष्म को पता ही नहीं लगा पाए अब तक, मन बुद्धि अहंकार को। बोले मन बुद्धि अहंकार क्या खेल करता है, कोई नहीं समझ पाता। प्रभुपाद जी लास्ट में लिखे, बोले ये जो 3 है, ये सारे 3 खेल अहंकार का खेल है। भगवान ने कि ऐसी शक्ति डाल रखे अहंकार, लास्ट में लिखे खंग भूमि राप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार है। वच जो अहंकार लास्ट में बोले, ये अहंकार इंद्रियों के जनक है, और यही अहंकार जिनको अविद्या कहते हैं, बोले इसी के सृष्टि भगवान ने सबसे पहले कर दिए। 5 प्रकार के अविद्या बोलते हैं, उसमें सबसे पहले आता है अहंकार। और पहले अविद्या ही है अस्मिता, विद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। इस अविद्या में मैं हूं, मैं जब हूं, जब मुझे मान लिया, ये अहंकार आया, तब दूसरे क्षण आएगा मेरा, ये सब मेरे हैं, ये मेरे। दूसरा अविद्या है क्या? मेरा।
पहले अविद्या अहंकार से मैं हूं, दूसरे अविद्या सेकंड फेज में गया मेरा, अब तीसरे अविद्या है राग। राग मतलब अटैचमेंट। राग क्यों होगा? जो मेरा है उनमें आसक्ति होगा, जो मेरा नहीं उसको द्वेष होगा। राग ये मेरा है, ये अपना पार्टी का है, ये अपना पार्टी के लोग, ये दूसरे पार्टी का लोग अपोजिशन लीडर है, एंटी पार्टी है, तो उनके द्वेष होगा। पहली अविद्या है मैं, तीसरी अविद्या, दूसरी अविद्या है मेरा, तीसरी अविद्या है कि जो मेरे हैं उनमें आसक्ति, और चौथी अविद्या है जो मेरे नहीं है उनमें द्वेष, और कंप्लीट जो पांचवा अविद्या, इन्हीं में लपट जाना अभिनिवेश, इन चार में अभिनिष्ट हो जाना, बस मैं मेरे के चक्कर में पूरे जीवन खत्म हो जाए, इसमें अभिनिवेश हो जाना, निविष्ट हो जाना। यही पांच अविद्या, ये खेल भगवान ने रचे, कोई वैज्ञानिक समझ नहीं पाते बेचारे ना कोई नहीं समझ पाया अभी उसको वो बेचारे सब भौतिक तत्व में पड़े हैं, सूक्ष्म तो गए नहीं, स्थूल में पड़े हैं, सूक्ष्म को अभी तक देखे ही नहीं, समझे नहीं। और सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन बुद्धि से ऊपरी सारे इंद्रिय तत्व के जननी अहंकार भगवान ने बना दिए, वो सारे संसार इस चक्कर चल रहा है इसी खेल में, इसी खेल में पांच अविद्याओं से प्रथम अविद्या के रूप में सृष्टि कर, पांच अविद्या से लेकर सब घूम रहे, और उसको विद्या मानते हैं। जब ब्रह्मा जी ने इसको सृष्टि किए, ब्रह्मा जी की भगवान ने दायित्व दिए लिखा पढ़ा करके सृष्टि करो, ब्रह्मा जी सृष्टि करते करते सबसे पहले पांच अविद्या बना दिए, और ब्रह्मा जी ने बहुत अनुताप किए, और सार गलती हो गया भाई, मिस्टेक में ये गड़बड़ी कर दिया, इसको बना दिया है तो ठीक नहीं किया, ये तो सारा अविद्या है, अज्ञान है। तो अपने पिताजी भगवान को क्या मांगे, बोले पापा गलती हो गया, ये मटेरियल दिए इसे इसे हो गया होगा। तो भगवान बोले बेटा नहीं, गलती नहीं हुआ, सही किया मैंने, प्रेरणा दिया था, ट्रेनिंग दिया, तू सही किया ना पापा, कैसे सही हुआ, ये तो सब गलत है, अविद्या है। बोले बेटा तू इतने बड़े दुनिया बनाएगा ना, ब्रह्मांड बनाएगा ना, 14 फ्लोर बिल्डिंग, 14 लोक वाले इसे ब्रह्मांड बनाएगा, इतने बड़े मकान बनाएगा, उसमें कोई रहने वाले नहीं होगा तो दुखी होगा ना, नहीं, अरे जो बनाएगा तो कोई रहे तो सही, घर बनाए कोई रहने वाला ही नहीं है, कोई ग्राहक नहीं है। तो अगर ज्ञान हो जाएगा कोई रहेगा इधर, कोई नहीं रहने वाला है, सब जाएंगे मेरे पास आएगा तो रहेंगे कौन, जो अज्ञान होगा तब तक रहेंगे ना, तो सबसे पहले अज्ञान क्या फंसेंगे, सब वही रहेंगे, भरे रहेंगे, चिंता मत करो हमेशा फूल चलेगा, वैकेंसी कभी नहीं मिलेगा, वेटिंग लिस्ट चलेगा। अगर ज्ञान कर देता एक भी नहीं रहते, सब जाते टाटा बाबा का, कोई नहीं रहते। अब देखा नहीं तेरे पहले बेटा क्या किए, तभी अविद्या सृष्टि नहीं किया था, तू बोला सृष्टि कर, बोले पिताजी नहीं हम जाते, सीधा मना कर दिया। जो विद्या सृष्टि कर ज्ञान हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा संसार में, ज्ञान प्राप्त होते ही सब गए, तेरे दुकान खाली, मकान खाली, हाँ? अब तो अब जो दुकान मकान बनाया कोई रहेंगे नहीं तो क्या, किस लिए बनाया फिर, तो इसलिए आवश्यकता था, ये पांच अज्ञान को बना, सब यही रहेंगे जाएंगे नहीं, क्वचित क्वचित जिसके ज्ञान हो जाएगा वही केवल निकल पाएगा, नहीं तो सभी पड़े रहेंगे। तो कब तक रहेंगे ना, कब तक, जन्म 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 पड़ते रहेंगे, जब तक ज्ञान प्राप्ति ना हो तब तक निकल ही नहीं पाएंगे। और ज्ञान प्राप्ति का उपाय भी है, साधन भी है, लेकिन ये मुर्गों को पसंद नहीं आएगा, वो करेंगे नहीं उसको करेंगे नहीं, वो पड़े रहेंगे। अब मेरे पास अभी भीड़ बहुत क्यों आ गया, चुन चुन कर आएंगे मेरे पास, जिन में पकड़ में आएगा, जिनको जिनको ज्ञान होगा उस तो मेरे पास आ जाएंगे, सबको हो जाएगा तो सभी आ जाएंगे। तो इसीलिए इस दुनिया में रहने के लिए अज्ञानी आवश्यकता है, अविद्या, तो हम इसी भीड़ इसी में लगा रखे हैं, इतने भीड़ सब अविद्या की भीड़ है। तो भगवान बोलते हैं कि ये मेरे भिन्न प्रकृति है, ये 8 प्रकार की, उसमें सूक्ष्म और स्थूल को मिला करके, ये बात को बता करके आगे भगवान बताते हैं कि ये तो मेरे भिन्न प्रकृति है, उससे भी बढ़कर और भी एक प्रकृति है, अपरियमितस्तन्यम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतं महाबाहु ये दंग धारियते जगत।
भगवान बोलते हैं कि देखो उससे भी परे, ये तो सब भूत प्रकृति है, जड़ वस्तुएं हैं, इस जड़ वस्तुएं से ये जड़ जगत की जननी ये प्रकृति है, बोले इस जड़ वस्तु से परे और एक शक्ति है जिनको पराशक्ति कहते हैं। ये अपराशक्ति ये समस्त जड़ जगत की जननी है, उसको अपरा कहते हैं। ये सारे जो अष्ट भिन्न प्रकृति को अपरेयम भगवान बोले ये अपराशक्ति है। इससे भी अन्य और एक पराशक्ति है, वो उससे ये निकृष्ट शक्ति उत्कृष्ट शक्ति है, उससे बढ़कर सुपरियर पावर है, वो क्या है, नाव है जीव शक्ति। क्यों उनसे बड़ा है, नाव चेतन है, ये जड़ है, जीव शक्ति चेतन है। अब देखिए पूर्ण ज्ञान की ओर भगवान बढ़ रहे हैं। मैं जैसे पहले बता दिया था तीन ही है कंप्लीट सब्जेक्ट, क्या क्या है, अभी जगत का बारे में जो भूमि राप अनावायुक है, जगत के बारे में बता दिए मोटा मोटी, सुख में बता दिए जगत। अब उसके बारे में सेकंड स्टेप जाते हैं, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, जीव। ये उससे बढ़कर सकती है, ये तो जड़ है और ये चेतन है, ये अपराशक्ति है, पराशक्ति के अंतर्गत आता है। और पराशक्ति भी पराशक्ति के अंतर्गत होकर के पराशक्ति में दो शक्ति है, एक है चित और एक है जीव। चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, ये तीन शक्ति भगवान का है। माया शक्ति मतलब अपराशक्ति है संसार, और उनको पराशक्ति भी कहा गया, लेकिन फिर जीव शक्ति कहा गया, क्योंकि बोलते हैं कि तटस्था शक्ति, तट मतलब वो वहां भी जा सकता है यहां भी आ सकता है, दोनों जगह में जाने के लिए उनके योग्यता है, इसलिए तटस्था शक्ति कहा गया ये जीव शक्ति को। हम जितने जीव हैं सब ये मिडिल तट शक्ति के अंतर्गत हैं, ना तो भगवान के चीज शक्ति के अंतर्गत हैं ना तो माया शक्ति के अंतर्गत हैं, हम जीव शक्ति विशिष्ट अंश हैं, भगवान के अंश तो हैं लेकिन भगवान के इस अंतरंगा शक्ति विशिष्ट शक्ति अंश नहीं है, ना कि बहिरंगा शक्ति विशिष्ट अंश है, हम तटस्था शक्ति जीव शक्ति है उनके अंश में है। तो बोलते हैं कि ये जो इस जड़ से परे हैं, इस दुनिया के जितने वैज्ञानिक पीएचडी करते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं सब जड़ के ऊपर करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं उनके ऊपर और एक शक्ति है जो खुद है, उनको जीव शक्ति कहा गया। या येदं धारयते जगत, बोले सारे जगत को क्रियमाण करके धारण करते हैं विदोहन करते हैं वही जीव तो करते हैं, जीव नहीं होने से दुनिया चले ही ना, इस बात को मूर्ख नहीं समझते हैं। हम इतने बड़े बड़े आश्चर्य होते हैं, पहले जब सिनेमा निकला लोग बोलते रे, पहले इलेक्ट्रिक लाइट निकल रहा था, हम गांव में देखो बूढ़ी बूढ़ी क्या कैसे दुनिया आया, अरे दीवार में हाथ लगाया लाइट हो गया घर सारा। हाँ अब स्विच उनको बूढ़ी बूढ़ी लोग गांव में इलेक्ट्रिक नहीं था वही समझते हैं क्या हो गया दुनिया, दीवार में हाथ में लगा पूरे लाइट, दीवार में हाथ लगा हवा चलने लगा। वो बेचारों को समझ नहीं आता जो नहीं देखे, लेकिन अभी जब जो आप लोग स्विच खराब है ना नहीं, अब बोलते हैं कि उसके बाद जब सिनेमा आया वो आश्चर्य है, लाइट बंद कर देते हैं और निकलते हैं उसके अंदर से सब, बोलता भी है नाचता भी है सब करता है, कभी तो सिनेमा अरे मेरे पास आ रहा है क्या, ऐसे हो जाते ऐसे ऐसे इतने कोरे ज्ञान विद्या है, वो भी आश्चर्य लग रहा था। अब तो वो भी गया, टीवी आया घर बैठ कर सिनेमा देखे, फिर भी टीवी, अब तो वो गया, अब हाथ के अंदर सबका घर में आपने तक आके नीचे से देख रहे हैं और उनको आश्चर्य मानते हैं, आप उनको आश्चर्य मानते हो। आजकल एक आया कंप्यूटर और उसमें एक आप है गूगल करके, बोलते हैं भगवान से बढ़कर वो है क्योंकि सर्वज्ञ है वो, यही है ना बोलते हैं इसमें क्या नहीं है जो आप पूछो आंसर नहीं देगा सर्च करो, है ना नहीं।
हम कुछ दिन पहले एक गौशाला में कार्यक्रम करने गए थे और गौशाला ढूंढने के लिए गूगल मैप पर वो नहीं आ रहा था। बोले किसने यार पास में जो साइन बोर्ड लगा ना उसके स्कूल का नाम देखो वो आएगा। बोले ये क्यों नहीं आएगा ना, वो है ही नहीं, साइन बोर्ड नहीं लगे तो गूगल उसको पकड़ नहीं पा रहा है। गूगल तो उसको पकड़ेगा महाज्ञानी जो साइन बोर्ड लगा करके अपने बैठा है दुकान खोल करके, उसी को पकड़ लेगा, फोटो देख लेगा। और कोई साइन बोर्ड ही नहीं लगाया तो फोटो कैसे खींचेगा? हमको सलाह एड्रेस नहीं बता सकता क्योंकि आप एडवर्टाइज नहीं किए, बोर्ड नहीं लगाए तो इसलिए पकड़ नहीं पाएगा उसको। तो इस प्रकार आजकल सुपर कंप्यूटर निकला है, उसको देख करके लोग बड़े बड़े गर्व करते हैं, क्या विज्ञान की स्थिति को पहुंच गया है, क्या गजब की प्रोड्यूस किया है। अरे बैठे बैठे कितने फास्ट, अगर नेट प्रॉपर काम करता है कितने फास्ट काम होता है। अगर नेट काम नहीं करता तो सारे दिमाग गायब। लेकिन मान लो नेट काम भी करता है, सारे इतने फास्ट इतने ओ फास्ट आंख फाड़ के देख रहे। लेकिन उनको पूछो, ठीक है, उनको इतने आश्चर्य होकर के इतने तारीफ करता है कि आज के वैज्ञानिक इस स्थिति को चले गए, ऐसे ऐसे यंत्र निर्माण किए, बैठ करके एक एक सेकंड में दुनिया के कोने कोने के खबर पा जाते हैं। लेकिन उनको पूछो, ठीक है, ये तो भगवान बोलते हैं कि मेरे भिन्न प्रकार जड़ शक्ति का प्रकार है, बोले लेकिन ये यंत्र है, इस यंत्र का अभी तक ऐसे यंत्र निकला क्या, एक सुपर कंप्यूटर भी अगर खराब हो जाए अपने आप ठीक हो सकता? आपको बुलाना पड़ेगा, फोन करके मैकेनिक से लेकर जाना पड़ेगा। अभी तक ऐसा कोई यंत्र नहीं निकला, कोई रोबोट भी क्यों ना हो जो मनुष्य की तरह काम करता है, लेकिन उसका जब वायरिंग फायरिंग खत्म होकर कुछ हो गया फिर उसको मैकेनिक बुला करके ठीक कराना पड़ेगा भाई, अपने आप ठीक नहीं होगा। तो भगवान बोलते हैं, भैया तू इतने मूर्ख क्यों होता, तू भी तक यंत्र है, मैं तुझे बनाया, ऐसे एक यंत्र बनाया जो ब्रेकडाउन होने से अपने आप ठीक करता है जाकर के, कोई दूसरे की हेल्प नहीं लेता है ना। नहीं, आपका पैर में कांटा चू गया, आप खुद बैठ करके सुई ला करके खुद करते हैं। ये मशीन ऐसा है, वो अपने आप की रिपेयरिंग करता है, अभी तक ऐसा मशीन को नहीं बनाया। मशीन ही चला जाएगा हॉस्पिटल, उसको कोई लेकर जाना नहीं पड़ेगा। ऐसा मशीन को, अरे और तो बात है, मजा की बात क्या है, वो मैंने ऐसे एक मशीन बनाया, वो उनसे भी और बढ़िया बढ़िया मशीन खुद बना देता है, वो प्रोड्यूस करता है मशीन, उससे भी बेटर मशीन बनाता है। कोई अभी तक कोई ऐसे सुपर कंप्यूटर मशीन बनाया जो आपने से और मशीन बना सकता है? नहीं। ये मशीन में कब बनाया था इतिहास में कोई हिसाब किताब नहीं, कितने युग पहले बनाया था, अभी तक बनाते जा रहा है, बनाते जगह नहीं रखने के लिए। अरे बंद करो बंद करो, आइन लगाते बंद करो, मशीन प्रोडक्शन भर गया, जगह नहीं। अरे वो मशीन के लिए पागल ऑर्डर देकर लाते हैं, अरे मशीन है उससे बेटर मशीन में बनाता है, अपना बनता रहता है, वही देखो ना, है ना। नहीं, उनको तो ऑपरेट करने वाला चाहिए, उसको बिना ऑपरेटर में कोई करंट नहीं चाहिए, नेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अपने आप इस यंत्र कैसे निर्माण किया, तो बोले इसको देख कर, इसको बोलते जीव भूतम, जो जीव शक्ति हो कितने और सुख में हो, कितने ये जीव को खुद जीव समझ नहीं पाता, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। अभी आत्मज्ञान किसी को नहीं, सब बाह्य ज्ञान के चक्कर में पड़े, सब बहिर्मुखी। आपने आप की ओर देखें कितने आश्चर्य है। मुझे कहीं सुना हूं, किसी ने बता रहा था, गवेषण को बोल रहे कि एक मनुष्य के शरीर के अंदर जो नसें हैं ना, सारे नसें को अगर जोड़ दिया जाए, बोलता है कि दुनिया के लंबाई चौड़ाई हो जाएगा, इतने भर के रखे भगवान, सूक्ष्म सूक्ष्म तंतुएं डाले, इतने मशीन भरे हैं, इतने एग्जैक्ट, क्या कैसे बनावटी है, कौन सोचे उसको। ये भी जड़ है, ये शरीर जो जड़ है, लेकिन ये जड़ के अंदर एक ही चेतना के कण है, नक से सिख पर्यंत एक्टिव रहता है, और कब चार्ज के पता नहीं, कब चार्ज डाउन ही नहीं होता। हाँ, जब से जन्म हुआ जब तक ड्यूरेशन है तभी तक चार्ज रहता है ऐसे, और चेतना को अभी तक कितने जन्म चला गया हम देखे नहीं, उसे रंग कैसा है,
उसका साइज कैसा है, कहाँ रहता है, क्या कुछ नहीं जानते, और हम है बोलते हैं कि मैं तो, कितना उम्र हो गया ना, 50 साल, 50 साल के आत्मा हो, अभी तक पता है आत्मा है कैसा, नहीं पता, नहीं, केवल कवर को लेकर के जबर कर रहे हैं, माल को अभी तक पता नहीं क्या है अंदर, माल पता नहीं अभी तक क्या, किसी को नहीं, यही बोलते हैं कि आत्मज्ञान की कमी है, अपने आप को नहीं जानते हैं और बाहर को देखते रहते हैं। इसी को भगवान बोलते हैं कि जीव जो है इस जड़ से परे है, चेतन शक्ति के अंतर्गत है, ये पराशक्ति है, सारे जगत को विदोहन कर सारे जगत को भोगता है, अपने कार्य के द्वारा अपने ये भोगने की शक्ति कौन दिया, मेरे शक्ति है इसीलिए भोग रहा है, वो इस जड़ जगत से परे ये शक्ति है, जीव शक्ति ये पराशक्ति अंतर्गत है, और उसी जीव शक्ति वही जीव है। अभी तक भगवान ने सेकंड फेज तक बताया है, पहले भूमि राप नड़ावाय दुनिया का ऐश्वर्य के बारे बता करके उसके ऊपर और एक सुपर पावर जीव है, जीव सबको भोग कर रहा है सारे दुनिया को, जीव शक्ति के परिचय दिए, वह आगे चल करके फिर अपने परिचय देंगे। टाइम हो चुका ना, आपका अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा 7:30 तक चलो, फिर भगवान आगे कहते हैं, चलो इसको सभी को अगर तात्पर्य पढ़ो ना, फिर और टाइम लगेगा, मैं इसलिए ऐसे बोलता हूँ, आप भी इसको पढ़ लेना अपने हिसाब से। एत जोनिनि भूतानि सर्वाणि तिपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभव पड़यस्तथा। देखिए कितने फेज में भगवान बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, अब तक पहले आपने ब्रह्मांड के ज्ञान ऐश्वर्य ज्ञान बताए, सारे दुनिया के जो पांच तत्व है, स्थूल तत्व सूक्ष्म तत्व ऐश्वर्य के बताए, उसके बारे में जगत के परे जीव शक्ति का परिचय दिए। अब उसके बाद में ये श्लोक में कहते हैं, छठा श्लोक में, एतत् जोनिनि भूतानि सर्वाणि तिपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रयस्तथा। अहं अभी भगवत ज्ञान देते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है, इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। जितनी वस्तुएं विद्यमान है ये पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है, जो भी वस्तु है ये सब केवल पदार्थ से कुछ नहीं बना, स्पिरिट एंड मैटर कॉम्बिनेशन है, पदार्थ तथा आत्मा, हर चीज पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है, भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है, एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इस प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है, अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियाँ हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है, अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंशरूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाना या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है किंतु विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता, इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं का कारण है, अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि काठोपनिषद में भी हुई है, नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतनानाम। यहीं तक बताकर यहीं से अपना आभास दिए और आगे फिर भगवत ज्ञान शुरू करेंगे, अपने स्वरूप ज्ञान को।
तो भगवान कहते हैं एतत् जोनिनी भूतानि सर्वाणी तु उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। यही है ना, कृष्णस्य संपूर्ण जगत का बनाना चलाना और मिटाना, ये तीन का सिंगल हैंडली मैं ही मैनेज कर रहा हूं। अहं इसमें अहं मतलब मैं ही हूं और दूसरा को ही नहीं, सिंगल हैंडली मैं ही कर रहा हूं। अहं कृष्णस्य जगत सभी के, और एतत् अभी तक जितने बताया है सारे जगत के जो अष्ट भिन्न प्रकृति प्रकृष्ट कृति जो स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्व जब इस तत्वों को लेकर जो बताया, ये तो अपराशक्तियां हैं और उसके परे जो जीव शक्ति जो पराशक्ति के बारे में बताया, ये सारे शक्ति के जोनी में हूं। एतत् मतलब इन सभी के जोनी, एतत् जोनिनी भूतानि सब कुछ जो है, सर्वाणि तु उपधारय सभी का स्रोत में ही सबको धारण किया, और अहं मैं ही सबके मूल हूं। आज मुझे जान गया फिर क्या बाकी रह जाएगा, सबके चीज के पीछे मैं ही हूं। लेकिन मिस्टेक कहिए कोई मुझे नहीं जानना चाहता, देखना चाहता है, बाहर की ओर देख रहे हैं अंदर कोई देख नहीं रहा है, पीछे पर बैठा है नहीं देखते है। तो इसी को बताने के लिए भगवान ने इस अध्याय का नाम है विज्ञान योग। सचमुच भगवान ने विशेष ज्ञान दे रहे हैं इसमें, विशेष ज्ञान में जो तीन फेज में बताया, तीन चीज में ज्ञान होता है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, इस सारे दुनिया के बनावटी की जो प्रक्रिया है विधि है उसको अगर ठीक से कोई जाने तो जान सकता है कि हमारी स्थिति क्या है, कहाँ है, हम कितने तुच्छ से तुच्छ है, कितने तुच्छ है, इसको जान सकता है। कैसे भगवान ने सृष्टि से पहले कृष्ण, कृष्ण तो अहं बोलते हैं, कृष्ण अपने अंश से बलराम आदि को सृष्टि करते हैं उनके, तो उनसे फिर संकर्षण होते हैं, तो इसमें एक चतुर्व्यूह होते हैं, तो उसमें से एक में से फिर एक चतुर्व्यूह होता है, उसमें से फिर संकर्षण से एक विष्णु निकलते हैं जिनको कहते हैं कि महाविष्णु। वो कारण सागर में शयन करते हैं, वो सागर भी उनका ही पसीना का पानी है, कोई कहीं से पानी ट्यूबवेल से मंगाए, कोई बोरिंग नहीं किए, बोरिंग क्या करे, कुछ था नहीं दुनिया, बोरिंग किसको करे किसको बोरिंग करे क्या करे, तो स्वयं अपने शरीर से पानी निकाल कर उसमें सो गए। वो पानी कितने निकाला पसीना, सागर। अब कैसे समझे किसी का पसीना से समुद्र भर जाए, ऐसा हमारा पसीना तो एक एक गिलास ही नहीं भरता, बकेट नहीं भरता। अब भगवान ने उसी पसीना से स्वयं समुद्र सागर बन गए, कारण सागर। लो अब हम भले ना समझे, अब बोलेंगे अरे सब बेकार है, अरे तू कितने बेकार बेकार करो, अब कार तो सब चलाते हैं, क्यों बेकार बोलता है ना, नहीं कार के बिना कोई चलते आजकल, बोलते बेकार 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 में दुनिया चलता ही नहीं, सब फोर व्हीलर जाते हैं, कार जाते हैं सब जितने कार वाले वही नहीं समझते हैं, जो बेकार वाले तो समझ लेते हैं तो बना करके अब वहां से उनको इच्छा करता है तो अपने से बना हुआ बहिर्जगत दृष्टि करते हैं, इस दृष्टि से ये प्रकृति के घनत्व तो जहां उनमें थोड़ा विकार होता है, विकार होते ही उसमें महत्त्व सृष्टि होता है, मैनिफेस्ट होने लगता है, महत्त्व से फिर ये निकलता है अलग अलग प्रकृति का मूलभूत जो चीजें हैं तत्व है, वो निकलता है, महत्त्व बोलते हैं भूमि आप अनलबा ऐसे उसे निकलता है, और उसमें अहंकार निकलता है, जिसमें इंद्रिया निकलता है, इधर देवता निकलता है, सारे धीरे धीरे प्रोड्यूस होते चले गए। जैसे ऐसे सब 16 इंग्रेडिएंट्स बनता है, महाविष्णु जब प्रकृति को ईक्षण करते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो उसके अंदर प्रकृति गर्भवती होती है, फिर वो क्या करती है, सृष्टि करते 16 तत्व सृष्टि करती है, 16 तत्व से काम नहीं बनता, फिर
फिर भगवान ने क्या करते हैं, ये 16 तत्व हुआ, ये तो महाकल्प हो गया, फिर विकल्प होता है, फिर एक महाविष्णु ने सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, सांस निश्वास छोड़ते हैं, तो उनके लोम कुप से ब्रह्मांड निकलता है, बनी बनाई अंडर निकलता है, गोल 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 गोल, कितने बोलते हैं करोड़ों संख्या में निकलता है, और वो घूमते निकल करके उड़ने बलून की तरह उड़ते हैं ब्रह्मांड सब कितने, और उस ब्रह्मांड पर उड़ते उड़ते क्या करें, उसके चमकले हुए ब्रह्मांड, तो फिर भगवान ने अपने दूसरे फॉर्म सृष्टि करके उस एक एक ब्रह्मांड में घुस जाते हैं, एक एक ब्रह्मांड को दायित्व लेते हैं, उनका नाम पड़ जाता है गर्भाशाही विष्णु, हर एक ब्रह्मांड के नीचे जाकर सो जाते हैं, कैसे सोते हैं, सोने के लिए बेड कुछ नहीं, पानी, अपने पानी निकाल के उसको बोलते हैं गर्भसागर, ये कारण सागर था महाविष्णु में, गर्भसाही विष्णु के गर्भसागर उसमें सोते हैं, एक एक ब्रह्मांड के को लेकर के गर्भसाही विष्णु उसको टिका करके उसके नीचे सो जाते हैं अपने पानी से पसीने से गर्भसागर से सो करके, तो इस ब्रह्मांड के परमात्मा वो है, प्रत्येक ब्रह्मांड के परमात्मा है गर्भसाही विष्णु, संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा जानकर है महाविष्णु, तो इसे गर्भसाई विष्णु फिर ब्रह्मांड को टिका करके अपने नाभि से ब्रह्मा को पैदा करते हैं, नाभि कमल से ब्रह्मा को फिर ज्ञान देते हैं, फिर सृष्टि करते हैं, फिर ब्रह्मा की सृष्टि, ये जो तत्व सब देते हैं, बोले ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसको लेकर बनाओ, भाई को इंजीनियर है, इंजीनियर है, वो खाता नहीं, पेन नहीं, कपी नहीं, ऑफिस नहीं, कुछ नहीं, इंजीनियर करेगा क्या, आर्किटेक्ट करेगा क्या, कोई कंट्रैक्टर है, अब ईट सीमेंट लेबर नहीं बेचना करेगा क्या, तो माल तो मसला तो चाहिए ना, इंग्रेडिएंट्स तो भगवान पहले से सो बना दिए हैं, ब्रह्मा जी तो इंजीनियर है, तो उनके पहले इंग्रेडिएंट सारे मसला बनाकर फिर ब्रह्मा जी को ये सारे चीजें हैं उसको बनाओ, तो ब्रह्मा जी ने बना दिए जीव को, जीव को बनाने के बाद भी ये जीव के अंदर हम जैसे इसको बनाए ब्रह्मा जी ने, हमारा सब शरीर 84 लाख प्रकार के डिजाइन के शरीर बनाए, लेकिन शरीर बनाने के बाद भी कुछ काम नहीं चल रहा था, फिर भगवान ने एक तीसरी एक्सपांशन अपना की, जिसको कहते हैं क्षीरोदगसाई विष्णु, ये प्रत्येक छोटी छोटी चीटी से लेकर के ब्रह्मा अणु परमाणु के अंदर भगवान ने सूक्ष्म वन के प्रवेश किए, क्षीर सागर क्षीरोदगसाई विष्णु परमात्मा रूप में लोकलाइज्ड, वो फिर सब कुछ चलाते हैं, उसी के कारण हम सुचेतन है जो कुछ है, इस रूप में बोलते हैं, इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में अणु से लेकर के परमाणु से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सभी के अंदर मेरा ही शक्ति है, कोई नहीं तो मैं नहीं तो चलेगा नहीं। अब प्रभुपाद जी ने इसको देते हैं, बोले कैसे, बोले इस शक्ति को हम कोई जानने के प्रयास नहीं करते हैं, ये सूक्ष्म शक्ति आत्मा रूप में प्रत्येक जीव के अंदर है, अहम कृष्ण शरीर, बोले मैं कैसे हूं, बोले मैं ना हूं, आत्मा मेरा शक्ति है, अगर मैं ना होता आत्मा के रूप में ये शरीर बढ़ता, आप अगर पैदा भी कर दो तो बड़ा नहीं हो सकता, आत्मा निकल जाए तो डेड बोलते ना, डेड बॉडी बढ़ेगा, सड़ेगा, बढ़ेगा तो इसी का प्रेजेंस कारण, आत्मा का प्रेजेंस के कारण कितना खिलता है, वो बढ़ता है, फिर जुबा होता है, किशोर होता है, फिर जवानी और बूढ़ा होता है, क्या क्या बनता रहता है, उसी के कारण, उनके उपस्थिति के कारण, वो जिस स्टेज में निकल जाए वो दैट्स इट, खत्म, उन्हीं की स्थिति, और वो शक्ति जो है उन्हीं के अंश है, चार्ज है, बोलते अहम कृष्ण से जगता मैं हूं, इसी के कारण कोई बात बोलता है, कोई देखता है, सुनता है, सभी इंद्रियां अपने अपने काम करते हैं, वृद्धि होता है, बड़े होता है, जो कुछ क्रिया दिखाई पड़ता है ये सब मेरे प्रेजेंस के कारण, लेकिन इसको कोई जानना नहीं चाहता, कोई इसको सोचते भी नहीं, हम आपस में लड़ते झगड़ते खूब, लेकिन इन हमको पता नहीं है, ये जो लड़ते हैं, जो गालियां बकते हैं, साउंड वो आता कहां से, कोई डॉक्टर को बोलो फाड़ फोड़ करके सब देखे कहां से निकलता है, उसको बटन बंद करते बटन मिलेगा ही नहीं, कहां से साउंड निकलता है पता ही नहीं, क्योंकि वो इसमें से नहीं हो, तो उनके तत्व है, ये भौतिक तत्व है ही नहीं,
तो इस चीज के बारे में कोई नहीं जान पाता। इसी को भगवान बोलते हैं कोई कोई व्यक्ति बहुत बहुत इसके बारे में बहुत हो गया, अब सोच सोच करके फिर आत्मा को जानने के लिए प्रयास करते हैं। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं, भगवान फिर बोलते हैं नहीं ये नहीं, आत्मज्ञान जानना चाहते हैं। और आत्मज्ञान यही है कि आत्मा उन्हीं के एक अंश है, इतने छोटा अंश है, इतने छोटा अंश है कि दिखाई ना पड़े। उनके हिसाब के बारे में कभी कभी लिखा गया बाणाग्र शतभागस्य सतथा कल्पितस्य च, एक मेजरमेंट के लिए शास्त्र में बताया गया कितने छोटा है आत्मा, साइज कितना, न एक बाल होता ना केस, एक केस के अग्रभाग को लीजिए टिप शब्द है, और उसको 10,000 हिस्सा कीजिए। अरे भाई संभव कैसे, बाल के नोक तो कोई दिखाई नहीं पड़ेगा हमको, और उसको 10,000, बोले यही तो आप कर ही नहीं सकते। वो 10,000 के हिस्साओं करने भाग करने जो हिस्सा होगा, इतने बड़े साइज है आत्मा के, और वो सबको नचाता है। कभी कभी तो लोग अवध लोग सोचते हैं नहीं चींटी के बैटरी छोटा है, हाथी के बैटरी बड़ा है अपने अपने, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो ही अंश प्रमाण सर्वस्त है, साइज सभी आत्मा के साइज सेम है, सब 1.5 वोल्ट काम करता है सब जगह में। तो इस प्रकार इस भगवान आत्मा के ज्ञान बता करके, और उसी के मूल बोलते हैं मेरा ही अंश है, एक तुच्छ अंश मात्र है, और मैं समस्त जगत में जितने जीव हैं और जीव के भोग्य पदार्थ जितने जड़ पदार्थ हैं, इस सब का जोनी, इस सब का पालन पोषण और बिगाड़ खत्म करने वाला मैं ही करता हूं सब कुछ। इसीलिए प्रभुपाद ने एक बड़ी बात लिखे है कि जितने भी दुनिया में जो कुछ देखते हैं, जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे दो ही चीज है, इसलिए सब कुछ बनना, क्या, एक पदार्थ एक आत्मा, स्पिरिट एंड मैटर। कभी कभी प्रभुपाद ने ये बात लिखे है नॉलेज मीन्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर। ज्ञान है क्या, ज्ञान केवल इतना ही है कि आत्मा और अनात्मा ये दोनों को जान लेना, जड़ और आत्मा के बारे में जान लेना, यही वास्तविक ज्ञान है और कुछ नहीं। दुनिया में जो कुछ है दोनों से मिलकर होता है। ये हमारे शरीर में आपके सामने बोलता हूं और आप सुनते हैं, इसमें ये शरीर में आत्मा है तभी तो कुछ बोल पाता हूं, और ना हो मेरे बोलना बंद, अब बोलेंगे हटाओ उसको, लेकर चलाओ के गाड़ दो, फेंको, अब मेरा मुंह रहेगा, दांत रहेगा, जीवा रहेगा, कुछ रहेगा, हाथ पैसा बोले फेंको उसको, गया बैटरी डाउन। हाँ, क्योंकि आत्मा का प्रेजेंस है तभी, और आप लोग सुनते भी हैं, वो आत्मा प्रेजेंस है इसलिए सुनते हैं, वो ना रहे कान होकर भी नहीं सुन सकते बाबा। हाँ नहीं, हम मुंह होकर बोल नहीं सकते, कान होकर सुन भी नहीं सकते, सब होने की वजह से होता है, होने की वजह से वही शक्ति है। इसलिए पदार्थ केवल होने से काम नहीं होता, पदार्थ तो डेड मैटर है, उसमें क्या कुछ नहीं हो सकता। एक चीज यहां से ये यहां से उठाकर मुझे यहां रखो, अपना वो थोड़ी जाएगा, वो ये करने के लिए चेतन शक्ति चाहिए। तो इसलिए हर एक क्रिया के पीछे ये दो चीज को जो जान लेता है, एटलीस्ट वो जानता है, बोलते हो जानता है क्या ना, उसके पीछे एक पदार्थ भी है और चेतना भी है। केवल पदार्थ से नहीं होगा कि केवल चेतन से नहीं होगा, बस ये दोनों चीज की जानना होगा कि एवरीथिंग, जो भी कुछ देखते हैं हमने,